किसानी ऑटो वालों का तो बुरा हाल है, ऑटो बंद करेंगे। मुझे लगता है विश्व की सबसे लंबी सड़क यही है। हमारा मेंटेनेंस इतना हो गया है कि हम गुजारा करना मुश्किल हो गया है। धूल इतनी है रास्ते में कि हमारे कपड़े बिल्कुल ही गंदे हो जाते हैं। परेशानी तो आती है, 15 मिनट का सफर आधे घंटे में करते हैं, उन्हें पता चलता है। कुरुक्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर लाने के दावे वायदे सरकार कर रही है, लेकिन धर्मनगरी की लाइफलाइन पिपली से थर्ड गेट तक बदहाल सड़क कब बनेगी, लोगों के जहन में ये यक्ष प्रश्न है। लोगों का कहना है कि महज 7 किलोमीटर सड़क बनाने में जब 7 साल लग गए और सड़क नहीं बनी तो और कितना समय लगेगा। इस बारे में जब लोगों से बात की गई तो सुरेश कुमार ने कहा कि सड़क पार करने में अधिक समय लगता है। वहीं पवन कुमार बोले कि क्या यह विश्व की सबसे लंबी सड़क है जो कि 7 साल में भी नहीं बन पाई। सुखविंदर कहते हैं कि हालात कई साल से खराब है। वहीं कुलजीत का कहना है कि सड़क न होने से अधिक समय लगता है। उधर थानेसर के विधायक सुभाष सुदा ने कहा कि ठेकेदार बार बार भाग जाता है, जल्द एक और नया ठेकेदार लाएंगे। किसानी ऑटो वालों का तो बुरा हाल है, ऑटो बंद करेंगे। परेशान इतना जी बस किया, बुरा हाल हमारा तो सारा दिन तेल फूंका, उनका चिमटे टूट जा, क्या कहानी। तो जैसे आप ऑटो चलाते हो तो सवारियों को भी दिक्कत आती है? सवारी को दिक्कत, लेडीज सवारी जो बैठी होती है उनको दिक्कत है। लेडीज वालों को जो प्रेगनेंसी है, बच्चा होने वाला है, उसको हम बिल्कुल राम राम से जाते हैं, फिर भी दिक्कत है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है, क्या करें। पानी तो चल डाल जाए, मिट्टी बैठ जाती है, दूसरा क्या, राम राम से चलते हैं। खांडी जाएंगे, उधर से खांडी आएंगे, तेल फूकेगा तो 100 गैस बनेगी, वो पेट्रोल पंप पे दे देंगे, बस यही हाल है हमारा। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद करना चाहता हूँ जिसने इस मुद्दे को गंभीरता से उठाया कि ये सड़क की लंबाई कितनी है। पर मुझे लगता है विश्व की सबसे लंबी सड़क ही यही है, क्योंकि इसका काम भी 7 साल से चल रहा है। अभी मैं रोजाना पीपली से कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए सुबह सुबह आता हूँ और रोजाना 1 घंटे पहले ही चलना पड़ता है। ये सारा 7-8 किलोमीटर का रास्ता है जो 20 से 25 मिनट का रास्ता है, 1 घंटा पहले हम घर से चलते हैं और तब जाकर कहीं विश्वविद्यालय में पहुँचते हैं। और कैसे पहुँचते हैं उसका भी हालत मैं आपको बताता हूँ। धूल इतनी है रास्ते में कि हमारे कपड़े बिल्कुल ही गंदे हो जाते हैं, सारा मुंह खराब हो जाता है। और ये मास्क लगाना अब हमारी मजबूरी बन चुका है, हमारा मास्क लगाना। और गड्ढे इतने हैं सड़कों में, चोटिल हो जाते हैं, कई बार अपनी बाइक से आते हैं, ये मिट्टी बहुत ही मुश्किल में है। हम यहाँ से 9 किलोमीटर है पिपली और सारा का सारा रास्ता खराब है, कई साल से खराब है। तो हम ऑटो वाले हैं, बहुत ही परेशान हैं। हमारा मेंटेनेंस इतना हो गया है कि हम गुजारा करना मुश्किल हो गया है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। सवारी अगर 1-2 सवारी होती है तो सवारी हमें प्रशासन को तो देती है गालियाँ, साथ में हमें भी गालियाँ देती है, बोलती है कि आप अपने ऑटो का ठीक नहीं करवाते, पीछे अंदर ठीक नहीं रखते, जबकि हमारे ऑटो ठीक हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। पर फिर भी सड़कों की वजह से बहुत परेशानी है और सवारी बहुत मुश्किल से बैठती है ऑटो में, तो बहुत कम होगी बैठनी, इनमें झटके लगते हैं बहुत ज़्यादा। तो यही की बात छोड़ ही दीजिए, पहले आप कहीं भी चले जाइए, इतनी बुरी हालत है, इवन गलियों तक की ज़्यादा बुरी हालत हो रखती है इस टाइम सड़कों पर। कभी टेंडर पास होता है, कभी नहीं होता। इवन अब जो कि सुधा जी कह रहे हैं कि वहाँ पे चले गए हाई कोर्ट में टेंडर, तो वहाँ से क्लियरेंस आएगा तब जाके टेंडर पास होएगा, बट इसका कोई मोल भाव नहीं हो रहा है कि मतलब कब रोड क्लियर होगी कब नहीं होगी। मटेरियल कैसा लगता है, अभी पीछे बात भी चल रही थी कुछ मटेरियल वगैरह की, कुछ चैनल्स दिखा रहे थे, तो मतलब कुछ सब कुछ बेकार है। और मैं वशिष्ठ कॉलोनी में रहता हूँ, वहाँ पे इतनी गंदी सड़कें हो रही हैं और जो पुल के नीचे मतलब इतना कूड़ा कचरा कर रखा है कि लोगों को निकलने में इतनी दिक्कत बनी थी। वो भी कहा उस टाइम भी खड्डे इतने थे, राज भी थोड़ी सी बना के छोड़ दिया उस तरफ की। रोजाना जैसे खड्डे लगते हैं यूनिवर्सिटी आते हो, किस तरीके की परेशानी आती है? परेशानी तो आती है, 15 मिनट का सफर आधे घंटे में करते हैं, उन्हें पता चलता है। धूल मिट्टी उड़ने की वजह से और उसके कारण क्या क्या परेशानी? सारी दिक्कत है वो तो भाई, पिपड़े से चलो इतनी देर में पानीपत पहुंच जाए, आधा टाइम यहाँ करनाल पहुंच जाए, इतनी देर में आ पहुंचे। एक बात कि महाराष्ट्र तक मेरे हिसाब से क्षेत्रा की सिटी के अंदर कोई ऐसी सड़क नहीं जिसके ऊपर काम नहीं लग जाएगा। एक इशू होता है अभी पिपली रोड का, आपने कहा सड़क का इशू क्या बना है, पिपली रोड पे आपको पता है कि बार बार जो ठेकेदार फेल हुए, पहला ठेकेदार ने लो रेट पे ले लिया वो चला गया, दूसरा दोबारा आया वो रेट पे चला गया। उसके बाद हमने स्पष्ट कहा, विधानसभा के अंदर भी कहा, हमने बाहर भी यही कहा कि अगर ये ठेकेदार काम करना चाहता है तो काम करे,
अदरवाइज ये काम नहीं करता, जिसका टेंडर कैंसिल करके नया टेंडर लगाया जाए। अब एक मकान आता है हमारे मकान मालिक, और उसका अगर कोई ठेकेदार काम गलत करता है उस बेचारे का, तो क्या उसको निकालता नहीं एक बार दो बार? तो इसलिए हमने कहा अगर नहीं करता, उसके बाद उसके ठेकेदार को कैंसिल करने के लिए जब बात आई तो हाई कोर्ट में चला गया। हाई कोर्ट में जाकर मैं आपको इस पर हाई कोर्ट में जाकर उसने दिया कि इस मैं काम मैं करना चाहता हूँ। उसने जब ये कहा और उसके बाद उसने कहा जी आप काम नहीं कर रहे, डिपार्टमेंट लिखा नहीं कर रहा है, तो दोनों के बीच में होने के बाद तो हाई कोर्ट ने आर्बिट्रेशन नियुक्त कर दिया। उसके बाद लगातार वो ठेकेदार 5 बार मेडिकल सीएमओ को देकर चंडीगढ़ में दे आया और आर्बिट्रेशन के आगे पेश नहीं हुआ। क्या कैसे डिसीजन होता? उसने साथ ही आदरणीय हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास एक अपील से लगा दी कि मेरा कोई एक्स पार्टी डिसीजन ना हो और मैं गवर्नमेंट विभाग करने जा रहा है। लेकिन जब मुझे इस बात का सारा पता लगा, मैंने सारे डॉक्यूमेंट निकाल कर मैंने विभागीय तौर पर ही मीटिंग ली। उसके बाद आदरणीय प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर जी से मिला, उसके बाद मैं आदरणीय ज्ञानचंद स्पीकर से मिला। मैंने कहा ये हो रहा है, आप हाई कोर्ट में जाइए, इसी हिसाब से बात। जिस जगह पे हम धरने पे बैठे हैं, इस सड़क को आप भी देख रहे हैं, और 7 साल पहले लगभग 15 जून 2015 को मुख्यमंत्री ने इस सड़क जो कि पहले से 4 लाइनिंग थी उसको 6 लाइन बनाने की घोषणा की, और उसके बाद यहाँ से पेड़ काट दिए गए। पेड़ काटने के बाद एक फर्म को टेंडर दिया गया, उसका टेंडर रद्द कर दिया गया, दूसरी फर्म को टेंडर दिया गया, और लगातार ये कहा गया कि ये शीघ्र पूरी हो जाएगी। परंतु इस सड़क के ऊपर आप देख रहे होंगे कि मिट्टी कितनी उड़ रही है, धूल कितनी उड़ रही है। हमारा कुरुक्षेत्र शहर एक पवित्र शहर है और यहाँ पर कोई इंडस्ट्री भी नहीं है। यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा वातावरण था, यहाँ पर पेड़ पौधे बहुत हैं, परंतु यहाँ का जो प्रदूषण का एयर लेवल है वो भी वेरी पुअर में चला गया, 342 से ऊपर चला गया इस धूल मिट्टी की वजह से। और परसों जब हमने अखबार में पढ़ा कि इसका दोबारा से टेंडर रद्द कर दिया, मुझे हैरानी होती है कि यहाँ के विधायक विधानसभा में मुख्यमंत्री से कहते हैं कि टेंडर रद्द कर दो। विधानसभा में आवाज तो उठनी चाहिए कि सड़क का निर्माण शीघ्र पूरा किया जाए, परंतु आवाज उठती है टेंडर रद्द कर दिया जाए। और आज उस ठेकेदार ने इन पर आरोप लगाया है कि मेरे से कमीशन मांगी गई। इससे ज्यादा दुखदायी बात नहीं हो सकती कि एक पहले तो कमीशन मांगी जाती है, और हमें तो पता लगा है कि उस ठेकेदार ने जब टेंडर लिया पहले ही सरकार के बने जो मंत्री बैठे हैं उनको कमीशन दे के लिए, और ऊपर से और कमीशन मांगेंगे तो ठेकेदार तो भागे गए। तो आज हमारी मांग सरकार से है, जिला प्रशासन से है कि ठेकेदार फिर कोई भाग जाएगा, ठेकेदार का कब टेंडर होगा? 4 दिन का तो कह रहे गए इसकी निकालेंगे, उसकी फिर उसकी उसको टाइम देंगे, फिर उसका वर्क लाट होगा। तो ये शहर के लोग जो यहाँ पर लगातार पिछले 6-6.5 साल से संताप भुगत रहे हैं, लगातार कई एक्सीडेंट में लोगों की मौत हो चुकी है, दुकानदारों का बिजनेस ठप हो चुका है, और जो इसका लेवल नाले का जो अधूरा बना हुआ है वो भी आप देखेंगे कहीं से ऊपर कहीं से नीचे कर दिया गया। जहाँ सत्ताधारी से जुड़े लोग बैठे हैं उसको नीचा कर देते हैं, बाकी ऊपर कर देते हैं। और एक बरसात आई थी पिछले दिनों, सारी कॉलोनियाँ जो इसके साथ लगती हैं और सारे बाजार जो इसके साथ लगते हैं उनमें पानी पड़ गया था। तो हमारी प्रशासन से मांग है कि PWD महकमे के पास जेई से लेकर चीफ इंजीनियर तक बहुत बड़ा हमला होता है, आप सरकार उससे शीघ्र आज इसको शुरू कराए, इसके लिए आज हम धरने पर बैठे। ऐसा नहीं है कि विपक्ष सड़क न होने से चुप बैठा है। बीते दिनों कांग्रेस द्वारा पूर्व मंत्री अशोक गड़ा की अगुवाई में नए बस अड्डे के सामने इस सड़क को लेकर प्रदर्शन किया गया था, और अभी गत दिवस इनेलो ने भी सड़क बनवाने के लिए हवन यज्ञ किया था, लेकिन नतीजा सिफर ही रहा है।